जिन्हें तुम अपना समझ बैठो, वे कभी अपने नहीं होते। एक कवि ने एक गीत लिखा, शाम को परीक्षित जी ने दिया था। छोटे से सयाने भाई और तुमने पढ़ाई लिखाई के बड़े कर लाए, और बड़े करके शादी करके घर में लाए, और जैसे ही श्री देवी ने कदम घर में रखो, तुमने जितनी मेहनत करी अपने बच्चन के साथ में शादी करी, और श्री देवी जैसे ही अंदर आई तो वे सब कुछ भूल गए। अपने न मालूम है कि मम्मी पापा कहाँ थे, कौन सी मम्मी ने और कब हमारे पिताजी ने हमारे साथ मेहनत की और किस तरीके से हमें वहां से यहाँ तक खड़ा किया। यहाँ तक की बात बताएं, हम नाम तो नहीं रखेंगे, एक जगह की बात बता रहे हैं कि लड़का माता और पिता ने मेहनत करके पढ़ा लिखा दिया, अच्छा तो पुलिस में भर्ती हो गया। और जब पुलिस में भर्ती हो गया, वास्तव में बता रहा हूँ, एक दिन हमारे सामने हम भी थे, हमारे गुरुजी भी थे राजवीर शास्त्री जी, उनके सामने और वो लड़का खड़ा है और मम्मी पापा ने पता नहीं क्या बोल दिया। तो जो पुलिस में लड़का लगा हुआ था उसने अपनी माँ से ये जवाब दे दिया, मैंने अपने कानों से सुना कि मैया अगर तू इतनी गुस्सा में हमसे बात करती हो, हमसे हमारी बहू से लड़ाई डेली लड़ेगी तो तू मैया ने ये कहीं कह दिया। और ज्यादातर माँ से ये निकल जाता है कि देख तू हमारे साथ क्या कर पाएगा, मैंने लगभग 9 महीना तुझे पेट में रखो। मैया ने बोल दिया कि 9 महीना मैंने तुझे पेट में रखा, कितनी मैंने दिक्कतें उठाई तेरे पीछे। और पुलिस में लगो वो लड़का, बोलो देख मेरी बात सुनो, अगर तूने 9 महीना हमें पेट में रखो तो तू ऐसा कर 9 महीनों किराव ले ले। बताओ 9 महीना को किराव ले ले। माता पिता से लड़का कभी उद्धार नहीं होता है, ध्यान रखना। अब श्री देवी जब घर में आई और जवाब दो पिताजी ने, लला ऐसा करो, बोले हाँ हमें बुखार आएगा हुआ, तुम हमें करेल तक ले चलो। जवाब दो ठीक है पिताजी, अब लेके चल। भीतर श्री देवी को मालूम पड़ी कि जब पिताजी को लेके करेल जा रहे, गेट खोलो, घूंघट नम्मे दो अंगुरिया निकाली और जवाब दो देखो कौन नहीं जायो। अब नहीं जायो, पहले हमें किसी ने शॉपिंग तो करा ले, अब के बाद भी चले जाइयो। हैं बाग के गए, जवाब दो पिताजी एक मेरी बात सुनो, तुम्हें तो हम लेवाई चले, खैर कह दई तो अबे नहीं 2 घंटा बाद लेवाई चल, लेकिन बहू के बहुत तेजी से पेट में पीर हो रही है, पहले बात दिखाई ले आए। लेकिन समय अगर लड़की से पिताजी बोल दें कि बिटिया हमें बहुत तेजी से भूख लगी है, तो अगर खाना नहीं बना पाए लेकिन काऊ के घर से कछु मांग ले, 12 बजे के आधी रात्रि के उस समय अपनी चारपाई छोड़ के और पिताजी के लिए कछु न कछु व्यवस्था अवश्य कर दी है। और लड़का से कहो तो
पिताजी अगर खेत में काम करते हो और लड़का से जब फोन करके जब कह दे लल्ला ऐसा करियो 12-1 बजे पे घसन के थोड़ो पानी दे जाइयो, बोले ये टुकरा और बहुत परेशान करते हो, पता नहीं है खेती में लगो रात में कछु हेबे को न देबे। अरे अगर पानी पियो तो खुद ले जाइयो, हम तो गए कहां क्रिकेट खेलन। तासो लड़की की ये आत्मा होती है अपने पिताजी और अपनी माता के लिए अगर कोई कष्ट संकट है तो आधी रात पर भी तैयार हो जाएगी, लेकिन मजबूरी है। दोस्ती तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कोई अब काऊ के बगैर रहती ही नहीं, और अगर दोस्ती देखो तो बगैर मतलब के काऊ से काऊ की नहीं, अगर काऊ की बगैर मतलब के काऊ से व्यवहार होए तो वो हाथ ऊपर करे हमें बताए, है सो कोई मारा बगैर मतलब के किसी का किसी से व्यवहार है ही नहीं। अगर हम आऊ देखो व्यवहार है तो जो लालू बैठो चिमटा बजाए रहो, हम सोच ले तो कहेंगे फिर भागवते और लालू को बुलाए लिए तो लालू चिमटा बजाए, मतलब निकलो। अगर किसी दोस्त से तुम्हारा ज्यादा प्रेम है लेकिन बगैर मतलब के नहीं होगा, कभी तो तुमने ये सोच लिया कि हमारा उनसे पुहार है और उनके पास 10 राइफलें हैं, अगर लड़ाई हो जाए तो भी लेके आ जाए, लेकिन एक दिन ध्यान रखना और लड़ाई पे तुमने फोन करो मंजे सैया और बुलाओ और तुमने कही कहो भैया बिन्ने कही बताओ बात का, और इधर से अगर जब कह दई कि लड़ाई हो गई हो भैया जल्दी आ जाओ, जब आप जई मिले भैया आए तो जाते तुम्हारी कसम अब है बिनाई करेल के प्रधान जी और हमें बैठा लाए थोड़े आगरा जा रहे हैं और कोई बात हो तो बताइयो हम कल तक आ जाए, और जब तक वे लौट गए तब तक तुम्हारो हट्टी को शर्मा बन जाए। Yeah.